हेलो बच्चों मैं पूनम राठौर राजस्थान सरकार और वेदांता के सी ए सार इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ चुके थे द ग्रेट स्टोन फेस ठीक है लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे और चैप्टर कंप्लीट रीड भी कर लिए थे आज बच्चों हम उसी चैप्टर के वर्किंग विद लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है बच्चों वर्किंग विद लैंग्वेज चलते हैं शुरू करें देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लुक at द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक लाइकनेस पंचुअल पंचुअलिटी ठीक है द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट आर adjectives एंड दोज ऑन द राइट आर दियर नाउन फॉर्म्स ठीक है बच्चों इसमें क्या है लेफ्ट साइड में क्या है लेफ्ट में क्या दिए हुए हैं एडजेक्टिव दिए हुए हैं और जो राइट right में है वो क्या बनाए हुए हैं नाउन फॉर्म्स है ओके okay? बच्चों तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं ठीक है है बच्चों, अब ये ये देखिए, आपको डिक्शनरी में से इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हमने क्या किया किया। बच्चों इसमें कैसे हमने वाई को यहाँ से हटा दिया तो वाई की जगह क्या लगाया है आई और एन ई डबल एस कर दिया ठीक है लॉफ्टी में हमने क्या हटाया ई की जगह हमने क्या लगाया आई तो क्या बन गया हैिटी बन गया थर्ड देखिए मीनस खुश वाई को हमने क्या किया हटाया है और हैप्पी नेस बन गया आगे देखिए नियर near, फिर नियरनेस नोबल नोबिलिटी आगे देखिए अनोमस ठीक है अनोमिटी ओके हमने इसमें क्या किया है आई टी वाई लगाया आगे प्लीजेंट प्लीजेंटनेस फॉर डेंस ओके डेंसिटी ग्रेट ग्रेटनेस स्टेबल स्टेबिलिटी ठीक है तो आपको इनकी मीनिंग फाइंड आउट करना और लिखना है ओके okay? आगे चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐड एल वाई टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव दैन यूज दैम टू फिल इन द द्लैग्स देखिए बच्चों परफेक्ट नियर काइंड प्लीजेंट और ईगर क्या है क्वेश्चन में कि हमको एल वाई एड करना है इनके साथ और हमें क्या करने हैं इनमें फिल करने हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वाई डिड नॉट यू टर्न अप आर द मीटिंग वी ऑल वो ईगरली वेटिंग फॉर यू ईगरली यानी उत्सुकता से ठीक है ईगर यानी उत्सुक और ईगरली यानी उत्सुकता से तो क्या ऐड कर दिया हमने एल वाई एड कर दिया सेकेंड देखिए काइंड यानी दयालु ठीक है काइंड मतलब दयालु हो गया ठीक है काइंडली काइंडली राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटरसी यानी यहाँ पे ये सैंस आ रहा प्लीज या कृपया जो हिंदी में बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके से काइंडली हो गया आगे देखिए थर्ड आई वॉज प्लीज एंडली सरप्राइज टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन आई था वॉज नॉट कमिंग आगे देखते हैं फोर्थ इट इज़ परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैच तो आपको इनके मीनिंग फाइंड आउट करने जब आप इनके मीनिंग फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस समझ में भी आ जाएगा ओके ही फेल ओवर द एंड नियरली ब्रोक हिस आर्म तो हमने एल वाई लगा दिया इस पे ओके आगे चलते हैं थर्ड देखिए बच्चों

वेन यू सी मंडल अगेन ठीक है यू विल नॉट रेकग्नाइज हिम ही इज ग्रोइंग अड ठीक है फिफ देखिए वी आर ऑफ टूडे वी शैल राइट टू यू आफ्टर वी आर बैक तो इस तरीके से आपको ये कम्प्लीट कर लेने हैं उनके मीनिंग भी आपको डिक्शनरी से फाइंड आउट करने के क्लियर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू